केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया। जिन विभागों में नई नियुक्तियां की गई हैं, उनमें रक्षा, वित्त, कोयला और अल्पसंख्यक विभाग शामिल है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पुण्य सलीला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का ओएसडी नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में स्पेशल सेक्रेटरी का पद संभाल रही थी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी सचिव राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। वो अरमान गिरिधर की जगह लेंगे। गिरिधर 31 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। जब तक वो रिटायर नहीं होते, तब तक राजेश कुमार सिंह मंत्रालय में ओएसडी का पद संभालेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के सचिव कठी कितला श्रीनिवास अगले आवास और शहरी मामलों के सेक्रेटरी होंगे। वहीं दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी होंगे। सीनियर आईएएस नागराजू मध्यवाला नए वित्तीय सेवा सेक्रेटरी बनाए गए हैं। वो वर्तमान में कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। नागराजू श्री जोशी की जगह लेंगे।